हेलो फ्रेंड्स मैं मुकेश चौधरी आपका आपके अपने चैनल में की क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा रीजनिंग से पूछे जाने वाले जो भी लेटर सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में उन सारे आ, उस लेटर सीरीज़ के हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और सॉल्व करवाऊँगा वो भी ट्रिक की सहायता से दोस्तों वो भी कम बहुत ही कम समय में ठीक है ताकि आप लोग एग्ज़ाम में लेटर सीरीज से आए हुए क्वेश्चन को गलत ना कर सको दोस्तों उसको सही करके आओ वो भी कम समय में दोस्तों ठीक है तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा एक चीज और दोस्तों अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे इस चैनल मिकी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल वाली आइकन रहती है उसको प्रेस करना ना बोले ताकि मेरे द्वारा समय समय पर बनाई जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे दोस्तों आप लोग मेरे हर एक वीडियो का सबसे पहले फायदा उठा सके तो चलिए शुरू करते हैं जो पहला क्वेश्चन है हमारे लेटर सीरीज का वो क्या है देख लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर दोस्तों देखिए दिया गया है ए बी ए सी बी ए सी ए ए ठीक है तो यहाँ पर कुछ कुछ खाली जगह भी है उसी को फिल करना है हमको वहाँ पर कौन सा लेटर आएगा उसको बताना है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग काउंट कर लेंगे इस खाली जगह को और लेटर को दोनों मिला के काउंट करते हैं देखते हैं कि कितना है उसके बाद यहाँ पर काउंट करते हैं तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह तो सोलह ठीक है तो यहाँ पर सोलह नंबर हैं सोलह लेटर हैं तो इसको दो भाग में बांटेंगे ठीक है ऐसे फोर फोर जा सिक्सटीन होता है तो फोर इंटू फोर ठीक है एक तो ये हो सकता है इसका फैक्टर उसके बाद से एक होता हो सकता है टू इंटू एट ठीक है ये हो सकता है तो हम फोर फोर का लेंगे तो फोर फोर का पेयर बनाएंगे यहाँ पर ठीक है तो फोर फोर का पेयर बनाते हैं देखते हैं वन वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर बन गया पेयर यहाँ पर दोस्तों जब पेयर बन गया तो उसके बाद से यहाँ पर देखते हैं क्या इसमें क्या मतलब पैटर्न बन रहा है ठीक है तो यहाँ पर देखिए पहले ए है यहाँ पर तब यहाँ पर ए हो जाएगा ठीक है यहाँ पर भी ए है यहाँ पर भी ए तो यहाँ पर ए हो गया उसके बाद से दोस्तों देखिए ए सी बी ए है ना तो यहाँ पर दोस्तों पहले ए के बाद सी आ जाएगा यहाँ पर भी देखिए ए के बाद सी था उसके बाद से यहाँ पर ए सी है यहाँ पर ए सी के बाद बी था तो यहाँ पर भी बी हो जाएगा उसके बाद से यहाँ देखिए दोस्तों ए है तो ए के बाद सी हो जाएगा बी हो जाएगा ए हो जाएगा तो ये वाला आप लोगों का हो जाएगा आंसर ठीक है तो आंसर आपका क्या होगा देखते हैं तो सी होगा ए होगा उसके बाद से यहाँ पर बी है तो बी होगा उसके बाद से सी है तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा ठीक है उसके बाद से दोस्तों आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कौन सा है और जो अगला टाइप है तो अगला टाइप ये रहा दोस्तों आप लोगों का स्क्रीन पर तो अगला टाइप ये है तो इसमें भी हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे वही चीज़ फॉलो करेंगे वही ट्रिक अपनाएंगे ठीक है पहले हम न, लेटर को काउंट करेंगे खाली जगह के साथ ठीक है तो कितना है देख लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ठीक है तो इसमें भी कितना है सोलह लेटर है कितना है सोलह लेटर तो इसमें भी दोस्तों 16 लेटर हैं तो सोलह का जो फैक्टर होता है फोर इंटू फोर होता है तो फोर फोर का हम लोग पेयर पेयरिंग करेंगे तो चलिए पेयरिंग कर लेते हैं वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर, फोर ठीक है तो ये पेयरिंग हो गई उसके बाद से हम लोग देखते हैं पहले ए है यहाँ पे तो यहाँ पर भी ए है यहाँ पर भी यहाँ पर भी ए है उसके बाद से कहीं ए के बाद कुछ दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर लास्ट वाला देखते हैं तो सी यहाँ पे है सी यहाँ पे है तो यहाँ पर सी लिख देंगे यहाँ पर भी सी है ठीक है और यहाँ पर देखिए सी के पहले ए है सी के पहले ए है यहाँ पर भी सी के पहले ए यहाँ पे सी के पहले ए यहाँ पे भी तो ए यहाँ पे भी लिख देंगे उसके बाद से क्या आएगा दोस्तों जो हमारा अगला आएगा तो वो होगा आप लोगों का यहाँ पर कहीं तो दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर ए ही हो जाएगा ठीक है क्या होगा ए क्या होगा नहीं सॉरी दोस्तों यहाँ पर ए नहीं होगा यहाँ पर बी होगा ठीक है क्या होगा बी एक मिनट यहाँ पर बी हो जाएगा उसके बाद से यहाँ पर भी बी हो जाएगा ए बी ए सी ए सी ए सी ठीक है क्या होगा ए बी ए सी ए सी तो पैटर्न क्या बन रहा है देखिए आंसर क्या हो गया बी हो गया ए हो गया उसके बाद से बी हो गया उसके बाद से फिर से बी हो गया उसके बाद से यहाँ पर सी है तो सी होगा फिर बी तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा क्या आंसर होगा बी ए बी बी सी बी ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा ये सेकंड टाइप था दोस्तों ठीक है इसको ऐसे सॉल्व करेंगे उसके बाद से दोस्तों जो थर्ड टाइप है उसको देख लेते हैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन कौन सा है उसको भी इसी ट्रिक की सहायता से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों तो आप लोगों का ये स्क्रीन पर रहा थर्ड क्वेश्चन थर्ड टाइप तो यहाँ पर दोस्तों वही हम पैटर्न फॉलो करेंगे पहले तो उसी पैटर्न से देखते हैं और नंबरिंग करते हैं देखते हैं कितना आता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन इसमें भी सिक्सटीन है तो फोर फोर का पेयर बनाएंगे हम लोग तो फोर फोर का पेयर बना लेते हैं पहले वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर तो यहाँ पर दोस्तों डबल भी है यहाँ बी डबल भी है यहाँ खाली जगह यहाँ पर पहले बी है तो ये है, ए, है, ए है ए है ए है तो ये पैटर्न हमारा नहीं बैठ रहा है ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे दो दो का पेयर बना लेते हैं क्योंकि सिक्सटीन का जो एक फैक्टर होता है टू इंटू एट भी होता है ना तो दो दो का पेयर बना लेते हैं देख लेते हैं तो वन टू 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 ठीक है तो बी बी यहाँ मान लेते हैं अगर बी लिखते हैं तो ये भी बी हो गया उसके बाद से तीन बी हो गया बी ए बी यहाँ ए बी उसके बाद ये ए बी नहीं बैठ रहा है ना ये भी नहीं बैठ रहा है उसके बाद से इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे देखते हैं यहाँ पर हम लोग दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ पेयरिंग दिया गया है देखिए तीन बार ए यहाँ पे है फिर तीन बार बी यहाँ पे है ठीक है तीन बार बी यहाँ पे है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ए बी लिख देंगे ठीक है ए बी क्या लिखेंगे ए बी ए ए ठीक है ए बी ए ए चार चार का पेयर पहले बना लेते हैं ना चार चार का पेयर बनाते हैं देखते हैं आ, क्योंकि सोलह का है तो उसी से बैठेगा हमारे ख्याल से वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर यहाँ पर चार बी है तो यहाँ पर देखिए ए बी लिख देंगे यहाँ पर भी तीन बी हो जाएगा ए, उसके बाद से एक ए आ जाएगा उसके बाद से यहाँ पर डबल बी बीच में ठीक है उसके बाद से ये यहाँ पर एक बी ए बी एक मिनट ए बी ए ए बी बी ए उसके बाद से ए ट्रिपल बी उसके बाद से यहाँ पर चार बी ठीक है तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा ये देखिए एकदम बैठ रहा है ए बी ए ए बी बी ए ए ट्रिपल बी और यहाँ पर आ, फोर बी ठीक है यहाँ तीन बी यहाँ दो बी यहाँ पर एक ही बी है ठीक है तो इस तरह देखिए चार बी यहाँ पे है तीन बी यहाँ पे है दो बी यहाँ पे है एक बी यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों तो ये बी 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 ठीक है तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा ठीक है इस क्वेश्चन का इस टाइप का तो चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप का जो क्वेश्चन है अगले टाइप का उसको देख लेते हैं वो कौन सा है तो दोस्तों अगला टाइप ये रहा आप लोगों का स्क्रीन पर तो यहाँ पर दोस्तों वही चीज़ है हम लोग काउंट करेंगे पहले लेटर को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एट्टीन इस बार एटीन है तो एट्टीन का फैक्टर होता है दोस्तों नाइन इंटू टू होता है एक ठीक है और आप लोगों का और क्या हो जाएगा एटीन का फैक्टर एट्टीन का फैक्टर और क्या होगा सिक्स इंटू थ्री हो जाएगा ठीक है सिक्स इंटू थ्री तो हम लोग थ्री थ्री के पेयर में तोड़ते हैं ना इसको थ्री थ्री के पेयर में वन टू थ्री 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 उसके बाद से वन टू थ्री तो यहाँ पर दोस्तों नहीं जम रहा है ठीक है इस तरह नहीं हो सकता उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग छः छः के पैर में तोड़ सकते हैं तीन के पेयर में तो हो नहीं रहा है देखिए कहीं बैठ रहा है कुछ नहीं बैठ रहा है तो हम छः छः के पेयर में तो इसको बैठाने की कोशिश करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का बीच में एक मिनट तो चलिए देखते हैं आ, एक बार फिर से हम लोग छः छः के पेड़ में उसको तोड़ते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स उसके बाद से यहाँ पर लास्ट में बी है तो यहाँ पर बी बी लिख दें अगर यहाँ पर ए लिख दें उसके बाद से यहाँ पर बी ए लिख दें तो यहाँ पर बी तो नहीं आ रहा है तो ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है ठीक है ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक चीज़ और वन टू थ्री वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है इस तरह करेंगे पहले थ्री फिर फोर पहले थ्री फिर फोर फिर फाइव फिर सिक्स इन सा इसके पेयर में तोड़ेंगे ठीक है तब तो देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर बी है लास्ट में तो यहाँ पर बी लिख देंगे यहाँ पर भी बी यहाँ पर भी बी उसके बाद से दो ए के बाद भी है यहाँ पर यहाँ पर दो ए के बाद भी यहाँ पर तीन ए के बाद भी यहाँ पर चार ए के बाद भी अब यहाँ पर पाँच ए होना चाहिए तो यहाँ पर पाँच ए हो जाएगा ठीक है तो यही देखिए पैटर्न एकदम से बैठ गया हम लोगों का ए बी उसके बाद से ट्रिपल ए बी फोर ए बी फाइव ए बी ठीक है तो यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है दोस्तों भी, 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 बी 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 ए ठीक है तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा इसी तरह दोस्तों आप लोग ठीक है एग्जाम में करिएगा बहुत ही आ, कम समय आप लोगों का लगेगा ठीक है एग्ज़ाम में आप लोगों का आसानी से हो जाएगा ठीक है उसके बाद से अगला टाइप देखते हैं जो दोस्तों जो अगला टाइप है हम लोगों का ए, लेटर सीरीज का जो अगला टाइप है वो देख लेते हैं तो वो रहा दोस्तों आप लोगों का स्क्रीन पर ये रहा पाँचवा नंबर ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों काउंट करते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह तो यहाँ पर दोस्तों सत्रह नंबर आ रहा है ठीक है तो सत्रह का कोई फैक्टर होता नहीं तो सोलह एक कम करके सोलह लेते हैं ठीक है क्या करते हैं एक कम करके हम लोग सोलह लेते हैं या तो एक ज़्यादा करके अट्ठारह ले लें ठीक है तो अट्ठारह ही लेते हैं ठीक है एक ज़्यादा करके हम लोग अट्ठारह लेते हैं तो अट्ठारह तो का फैक्टर होता है सिक्स इंटू सिक्स इंटू थ्री क्या होता है सिक्स इंटू थ्री तो यहाँ पर सिक्स सिक्स का पेयर बनाएंगे ठीक है कितने कितने का सिक्स सिक्स का पेयर बनाएंगे थ्री थ्री का पहले पेयर बना के देख लेते हैं वन टू थ्री वन टू थ्री नहीं बैठ रहा है ए ए आ जा रहा है ठीक है फिर यहाँ पर ए ए बी आ जा रहा है नहीं हो रहा है तो सिक्स सिक्स का पेयर बनाते हैं तो सिक्स सिक्स का पेयर बनाएंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है तो यहाँ पर फाइव क्योंकि सेवेंटीन ही था ना तो इस वजह से यहाँ पर हो गया उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर देखिए डबल ए है और डबल सी है यहाँ पर दोस्तों लास्ट में डबल सी ठीक है यहाँ पर एक सी यहाँ पर डबल ए है तो यहाँ पर भी डबल ए हो जाएगा उसके बाद से डबल ए के बाद बी था तो यहाँ पर भी बी हो जाएगा उसके बाद से सी सी ठीक है तो यहाँ पर भी बी यहाँ पर ए यहाँ पर बी देखिए पैटर्न बैठ गया ए ए डबल ए डबल बी डबल सी डबल ए डबल बी डबल सी डबल ए डबल, डबल, डबल बी यहाँ पर सिंगल सी है जो अगर अट्ठारह नंबर होता तो वो सी ही होता ठीक है क्योंकि यहाँ पर सेवनटीन नंबर है तो सेवनटीन लेटर है ठीक है तो इसी वजह से ये इस तरह का है ठीक है उसके बाद से यहाँ पर दोस्तों आंसर जो आ गया आप लोगों का बी ए बी ए बी ए बी ठीक है तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन का ठीक है उसके बाद से तो दो, दो दोस्तों पढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ जो अगला टाइप है हमारे आ, लेटर सीरीज का वो ये रहा आप लोगों का स्क्रीन पर तो इसमें भी काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी तो इसमें दोस्तों ट्वेंटी लेटर हैं तो ट्वेंटी का जो फैक्टर होता है दोस्तों वो होता है आप लोगों का फोर इंटू फाइव तो पहले तो फोर में तोड़ के देखते हैं उसके बाद से फाइव में तोड़ के देखेंगे ठीक है फोर का फैक्ट फोर का पेयरिंग करेंगे तो पहले फोर का पेयरिंग करते हैं तो फोर का पेयरिंग जब करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का वन टू थ्री फोर 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 यहाँ पर ए सी ए सी है ठीक है तो यहाँ पर ए बी होना चाहिए फिर यहाँ पर ए सी ए सी है ए बी ए होना चाहिए और ए सी ए होना चाहिए देखिए पहले ए सी ए सी है फिर ए बी ए बी है फिर ए सी ए सी फिर ए बी ए बी फिर ए सी ए सी यहाँ पर पैटर्न दोस्तों एकदम से बैठ गया फोर फोर के पेयरिंग करने पर तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का आंसर हो जाएगा ए सी बी ठीक है ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा ठीक है तो बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट जो आप लोगों का टाइप है इस ले, लेटर सीरीज का उसकी तरफ जो नेक्स्ट टाइप है वो ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर तो आप लोग पहले नंबरिंग करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन यहाँ पर एटीन है तो एट्टीन होता है आप लोगों का एक तो सिक्स इंटू थ्री ठीक है एक होता है आप लोगों का नाइन इंटू टू तो नाइन इंटू टू तो यहाँ दो दो का पेयर करने पे बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और नौ का पेयर बहुत कम पेयर बनेगा तो यहाँ पर सिक्स या थ्री का होगा पेयरिंग ठीक है यहाँ पर क्या होगा सिक्स या तो थ्री का होगा पेयरिंग पहले थ्री का करके देख लेते हैं हम लोग तो थ्री का करते हैं वन टू थ्री 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 उसके बाद से यहाँ पर वन टू थ्री तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लास्ट में बी है ना लास्ट में बी है यहाँ पर भी बी है आ, तो आप लोग का हो जाएगा यहाँ पर लेकिन ए है देखिए यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है यहाँ पर ए है उसके बाद से यहाँ पर भी बी है ठीक है और यहाँ पर भी बी है तो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें ए इसमें ए इसमें ए तो यहाँ पर ए होना चाहिए अल्टरनेट पे देखिए ए बी फिर ए आया फिर बी आया फिर ए आएगा ठीक है देखिए ए बी यहाँ पर देखिए ए बी ए बी ए बी ठीक है तो इस तरह अल्टरनेट पे होगा तो यहाँ पर देखिए सी सी ए है यहाँ पर सी सी बी है यहाँ पर फिर सी सी ए हो जाएगा फिर सी सी बी आया फिर सी सी ए फिर सी सी बी हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का आंसर आने वाला है ए सी ए सी ठीक है ए सी ए सी ठीक है तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा दोस्तों तो दोस्तों आप लोगों को आप लोगों से उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों ठीक है तो आप लोग दोस्तों ये जो टाइप था हमारे जितने भी टाइप बनते हैं हमारे लेटर सीरीज नंबर सीरीज से सॉरी लेटर सीरीज से हमारे रीजनिंग में जो भी पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में उन सारे टाइप को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया दोस्तों उन सारे टाइप को एक ट्रिक की सहायता से हम लोगों ने सॉल्व किया तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर मेरे इस वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें दोस्तों और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे इस चैनल को मिकी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल वाली आइकन रहती है दोस्तों उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा जो भी बनाई जाने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे दोस्तों ठीक है तो चलिए हम आप लोगों को मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद